नमस्कार मित्रों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्त में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुड़सेप 200 टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट का उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो के एंड तक बने रहे, तभी आपको इस टैबलेट की सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो दोस्तों, 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, मेरे पास सैंपल है तो मैं सैंपल पर वीडियो बना रहा हूँ। इसमें सॉल्ट की अगर बात की जाए तो इसमें सेफोडोक्सिन 200 mg मिलाया गया है और इस दवा को मार्केट करता है लाइफस्टाइल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। तो दोस्तों, आप किन किन बीमारियों में इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। इस दवा का उपयोग अगर आपको गले में इन्फेक्शन है, यूरिन का इन्फेक्शन, टॉन्सिल की समस्या, सूजाक रोग, ब्रोंकाइटिस की समस्या, स्किन इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया, कान नाक गले का इन्फेक्शन, घाव जख्म को सुखाने के लिए, दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो अब दोस्तों, जान लेते हैं डोज के बारे में। तो इस टैबलेट का डोज रहता है, एक एडल्ट व्यक्ति को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है। दोस्तों, इस टैबलेट को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि दस्त लगना, मतली उल्टी होना, सिर दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना, मुँह सूखा लगना। इस दवा को लेने के बाद अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई खा रहे हैं तो इस टैबलेट का उपयोग करने से पहले मैं डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अल्कोहल के साथ इस टैबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, और आप अपनी मर्जी से इस दवा का उपयोग ना करें। प्रेगनेंसी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, आप अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग ना करें। डॉक्टर की पर्ची होना बहुत जरूरी है, तो आप अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग ना करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।